चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के लिए जो निफ्टी के लेवल्स थे और जो आज के लिए स्टॉक्स दिए थे उनमें क्या परफॉर्मेंस रहा। जो बात करते हैं निफ्टी से, निफ्टी में गैपअप हुआ और उसी रिजेक्शन वाले ट्रेंड लाइन पे जहाँ से हम एक शॉर्टफॉल देख रहे थे उसी को सपोर्ट बनाते हुए एक बार निफ्टी ने अपने एक स्विंग रेजिस्टेंस को उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, देने वाला है। ऑल राइट, मार्केट अभी भी ओपन है तो मैंने सोचा कि आज वर्किंग मार्केट में ही बनाते हैं। तो मार्केट अभी सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, 17,400 के लेवल के अराउंड पे है अभी मार्केट। फिलहाल के लिए स्टेबल दिख रही है मार्केट, इस गैप को कवर किया है मार्केट ने, अभी कोशिश कर रहा है इस गैप को कवर करे। एक बार के लिए देखना होगा कि 17,450 का जो लेवल है क्या वहाँ से रिएक्शन लेता है या उसके ऊपर एक क्लोजिंग देता है। ऑलराइट, मार्केट इस समय बहुत डाइसी, कुछ कह नहीं सकते हैं कि जो बिग प्लेयर्स हैं वो क्या करना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं जो आज के लिए जो पहला स्टॉक था, डी मार्ट। डी मार्ट इस समय साइडवेज चल रहा है और 4014 पे सपोर्ट लेना चाह रहा है। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं क्या रहता है इसका आज क्लोजिंग का। फिलहाल के लिए इसके ऊपर से सस्टेन करना चाहिए और जो ये ट्रेंड लाइन आ रही थी उसका इसने सपोर्ट नहीं ले पाया तो वहीं से रिजेक्शन मिला इसको। ऑलराइट, देखते हैं अगला स्टॉक जो था महिंद्रा एंड महिंद्रा। ऑलराइट, अच्छा ब्रेकआउट, स्विंग रेजिस्टेंस 910 का अराउंड है, वहीं से रिजेक्शन ले रहा है, उसके ऊपर यदि क्लोजिंग देता है तो अगले मूव में 930 तक के मिलेंगे स्टॉक में। नेक्स्ट देखते हैं वोल्टास। वोल्टास ने भी एक पुल बैक लिया है, अभी रिजेक्शन ट्रेंड लाइन जो रिजेक्शन का वर्क करेगी, एक बार अपने में क्लोजिंग चाहिए 1282 के ऊपर की एक क्लोजिंग चाहिए तेजी के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल। अभी भी पुल बैक हुआ है और जो रेजिस्टेंस लेवल है 541.45 का, वहीं से रिजेक्शन लिया है। एक बार के लिए क्लोजिंग का हम वेट करेंगे कि 532 का जो लेवल है इसके ऊपर कहीं क्लोजिंग मिले। ऑल राइट, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है महिंद्रा सीआई। इसमें भी पुल बैक हुआ है और 196.7 का जो लेवल था वहीं से रिजेक्शन ले रहा है और अराउंड 200 के लेवल्स को इसने टेस्ट किया है। ओके, जिन लोगों ने पोजिशन बनाई वो उन्होंने अच्छे प्रॉफिट बनाए होंगे आज। और प्लीज़ इंट्राडे को इंट्राडे ही रखें, नेक्स्ट डे ओवर नाइट मत रखें, क्योंकि डीके भी होता है और कुछ भी हो सकता है मार्केट में। कोई भी न्यूज़ फ्लो होता है अच्छा या बुरा, वो उसका जो है हम स्टॉक पे देखते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं अशोक लेलैंड। पुल बैक था बट सोल्ड इन टू हो गया, जो उसका एक स्विंग लेवल था 129.65 का, वहीं से भी बुक इन टू हुआ है। एक बार के लिए क्लोजिंग अगर मिल जाए हमें 129.05 के रेजिस्टेंस के ऊपर, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि फिर से एक बार के लिए अपने स्विंग लेवल 129-130 के लेवल्स को फिर से एक बार टेस्ट करने जा सकता है। ऑल राइट, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है टाटा कम्युनिकेशन। ओके, तो स्विंग रेजिस्टेंस जो था इसका 1325 के लेवल, वहीं से इसमें बुक इन टू हुआ है। फिलहाल के लिए साइडवेज कह सकते हैं। अगला देखते हैं एस्ट्रो। इसने भी रिजेक्शन मिला 2141.4 के लेवल से और सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, बाउंस करने की कोशिश कर रहा है 2115 के लेवल से। देखते हैं क्या है इसमें अगला, क्या हो सकता है। फिलहाल के लिए ये साइडवेज में मान के चलूंगा इसे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पीवीआर। पीवीआर में भी जो ये रिजेक्शन लेवल 1831 का जो लेवल है वो एक अच्छा रिजेक्शन जो वर्क कर रहा है, वहीं से रिजेक्शन मिल रहा है स्टॉक को, हम 2 सेशन में ये देख चुके हैं। नेक्स्ट देखना होगा ये एक बार के लिए
हो सकता है कि 1750 के लेवल को रीटेस्ट करने आए, या फिर हो सकता है कि एक बार के लिए 1770 तक आकर के हो सकता है कि एक बार एक बाउंस लेने की, टेक्निकल बाउंस लेने की कोशिश करें। ऑल राइट, सो ये थे आज के लिए स्टॉक्स एंड निफ्टी के लेवल। आई होप लर्निंग एंड अर्निंग की जर्नी में आपको मज़ा आ रहा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है, अगर 1% का भी एडिशन है आपको मेरी इस एजुकेशन से, तो फिर सब्सक्राइब कीजिए और पेनिट्रेट कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, ताकि वो भी सीख सकें कि लेवल्स कैसे निकालते हैं। और कोर्सेज के लिए अप्लाई कीजिए, मेल कीजिए या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, ताकि हमारी टीम आपको रीच आउट करके आपको कोर्स के बारे में स्टडी मटेरियल वगैरह प्रोवाइड कर सके, और लर्निंग एंड अर्निंग की जर्नी में आपको एक अच्छा एडिशन मिले। ऑलराइट, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल के लिए निफ्टी के लेवल्स ऑफ कुछ स्टॉक्स। टिल देन कीप ट्रेडिंग, कीप योर प्रॉफिट्स प्रोटेक्टेड। जय हिंद, वंदे मातरम। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू यूज स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस। मिलते हैं।